तमहील 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 तम बाजू 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 ये बच्चे जी बैठे पे मतलब खुशी साहब बैठे हैं, मतलब जराना जाय साहब बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते। मेरे साथ मौजूद है जी अध्यक्ष नाम गोरी साहब और साथ ही मेरे जो है ना वो प्रेस क्लब के चौधरी दान साहब। ये देखे जी बड़ी बड़ी हस्ती है, हेलो पट्टी साहब, विक्की साहब और ये है हमारे राणा साहब। राणा और विक्की एक साथ आप देख रहे हैं आज नहाते हुए। आए ये हैं मेरे बड़े भाई आबद साहब के कपड़े गिले गिले हैं। जाहिर चौधरी साहब जी ये मोशन है मोबाइल पे लगे हुए हैं, ये देखिए आप अपना, ये पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं लेकिन इधर नहीं देख रहे। जाहिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लाइट आ गई है, मेरा ख्याल है 12 चला रहे हैं। आप तो मोबाइल पे लगे हैं, वो भी जरूरी है, मोबाइल देखना भी जरूरी है, एंजॉय करना भी जरूरी है। अच्छा, ठीक हो गया जी। मेरे साथ फरहान खान जी मौजूद है, फरहान खान साहब बताएंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय सही है, बहुत मजा आ रहा है, पंजाबी में बोलना है उर्दू में बोलना है नहीं, जैसे मर्जी बोल रहे। आज आसम भाई मेरे साथ है, बहुत मजा आ रहा है जनाब। आसम भाई को मैं 2-3 मरतबा छेड़ने की कोशिश किया लेकिन आसम भाई जो है वो जान छुड़वा के जो है ना वो भागे हैं। मैं फिर भाग रहा हूँ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी, मतलब खुशी साहब बैठे हैं जी, जाहिर साहब बैठे हैं यहाँ पे, आबद साहब बैठे हैं, वलै साहब बैठे हैं, शहजादा बाद साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। अरफान साहब इधर अकेले बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी मेरे साथ जी मेरे साथ शहजादा बाद साहब और राणा साहब बैठे हैं। राणा साहब बताएंगे जी आज आपने एंटरटेन किया, सर हम तो एंटरटेन कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, आप बताइए जरा नाजरीन को। मैं आप सब लोगों को, सारे दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ, आप मेरे पास आए, मेरी इज्जत अफजाई हुई या इज्जत अफजाई की, तो मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसी महफिलें या इस तरह दोस्तों का इकट्ठा होना बाएं रहमत हो जी। बिल्कुल जी, इधर मेरे साथ शहजादा बाद साहब भी हैं जी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं राणा साहब का बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने तमाम प्रेस क्लब के दोस्तों को दावत दी और यहाँ जो है ना मैंगो पार्टी भी हुई और खाने का भी अच्छा इंतजाम किया गया है। इसके अलावा तमाम दोस्तों के साथ हमारे बुजुर्ग भी शामिल है, जो कि मलिक खुशी साहब भी बैठे हैं जी। जी मलिक साहब से भी बात करते हैं, मलिक साहब भी बैठे हैं हमारे साथ जी। मलिक साहब जी कैसा लगा? ये हमारे बुजुर्ग जो इस वक्त यहाँ दुनिया पे मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन। का बहुत बड़ा रोल है और इनके ये बरकरदार हैं राणा जाहिद साहब। तो राणा जाहिद साहब के जो है ना वो उसमें खानदानियत पाई जाती है और यही वजह है कि इन्होंने जो है ना इन्होंने पूरे साथियों को आज मधु किया और हम ये समझते हैं कि इनका ये प्रोग्राम यादगार रहेगा और हम इनको याद करते रहेंगे। हम आज राणा जाहिद साहब के इधर मेहमान हैं मौजा टुल्ला में, याद रहे कि राणा साहब एक जिम्मेदार हैं, अगर जिम्मेदार घराने से इनका तल्लक है और इन्होंने इस दफ़ा ये अभी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, मैं शहजादा बास भाई और मलिक साहब कह रहे थे कि मैंने इस दफ़ा जो है ना गन्ने की काश्त की है और कपास भी काश्त की है और 40 एकड़ जो है ना उसमें चावल भी काश्त की करता हूँ मैं। तो ये हमने सिर्फ समझा कि ये शहर में सिर्फ सेंट्री इंस्पेक्टर के उद्दे पर है लेकिन ये बहुत लैंड इंस्पेक्टर है और ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी है, ये बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं राणा साहब। तो हम इनके मशहूर हैं राणा साहब के,
कि इन्होंने हमें दावत दी और मधु किया और यहाँ आम मैंगो भी खाए और राणा साहब के इखलाक ने हमें खरीद लिया पूरी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। राणा साहब की के उन्होंने सब दोस्तों को यहाँ मधु किया, अभी खाने का इंतजाम हो रहा है। अब नजाकत भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। नजाकत साहब के पास चलते हैं जी। नजाकत भाई, सर जी कुछ आप भी बताइएगा। हम जो है राणा जाहिद साहब के मशहूर हैं कि उन्होंने तमाम प्रेस क्लब के दोस्तों को बुलाया और उनको जो है ना यहाँ पे बेहतरीन किस्म की एक पार्टी दी और तमाम दोस्त बहुत खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो हम राणा साहब के तमाम बुजुर्गान के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और राणा साहब हमेशा इस किस्म की पार्टियां करते रहे ताकि मौजूद है जी। वलाय साहब बताइएगा जी। राणा जाहिद साहब जी इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक है, यारों के यार है, सादकाबाद के अंदर कादावर शख्सियत है और ये काबिलियत है की ये सारी पार्टियों के साथ लेके चल रहे होते हैं। आज इन्होंने प्रेस क्लब सादकाबाद के एजाज के अंदर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। सारे जर्नलिस्ट हैं, इनके मशहूर हैं, ये गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आम खा रहे हैं और बहुत अच्छा खाने का इंतजाम किया हुआ है। थैंक्स टू बंडल। हाजी शाह साहब जी, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। राणा जाहिद साहब के बहुत मशहूर है कि उन्होंने यहाँ पर बुलाया और हमारी जो थैंक यू जी। ओके जी, ओके जी। खाने का टाइम हो गया जी, खाना लग गया है, अब खाना खाएंगे फिर उसके बाद बाकी का भी लोग बनाएंगे। अभी जी मेरे साथ फरहान साहब, फरहान साहब भी मौजूद हैं जी। फरहान साहब लेटियां मार रहे हैं जी, उनके पास चलते हैं। खाने का टाइम हो गया जी, लेकिन हम फरहान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे जी। फरहान भाई कैसे हैं? तो जी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है और काफी सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और राणा जाहिद साहब ने मेजबानी की है तो गन्ने की फसल देखी है, बड़ा मजा आया। और इस बार जो है 450 रुपए गन्ने की मन का रेट आ रहा है तो काश्तकारों को एडवांस में मुबारक हो, इंशाल्लाह 4-4.5 लाख रुपए का फी एकड़ आएगा। नाते में कोई एंटरटेन किया आपने, मजा आया? अभी का मजे ले रहे हैं ये पीछे भी। शुभान साहब जी, शुभान साहब बताइएगा। हेलो जी।